अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यं अध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचः तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि च अव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। एवमेतद् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपं ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं अव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि मैं आपका विश्व रूप देखने योग्य हूं तो कृपया मुझे वह रूप दिखलाइए। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतः तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। इहैकस्थं जगत् कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुम् इच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर
सब कुछ है। न तु माम शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरौ। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुले सर्वाश्चर्यमयं देवं अनंतं विश्वतो मुखम्। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय तेजमय असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भाव सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों, तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तत्रैकस्थं जगत् कृष्णं प्रविभक्तं अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवः तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। ततः सविस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिः अभाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन उवाच पश्यामि देवां तव देवदेहि सर्वां तथा भूत विशेष संघान्
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम् पश्यामि त्वाम् सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेका अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। किरीटिनम् गदिनम् चक्रिणम् च तेजोराशिम् सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वाम् दुर्निरीक्ष्यम् समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। त्वमक्षरम् परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप परम आद्य गेह वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। अनादि मध्यांतम् अनंत वीर्यम् अनंत बाहुम् शशि सूर्य नेत्रम् पश्यामि त्वाम् दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। द्यावा पृथिव्योः इदमन्तरम् हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपं उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोक भयभीत हैं। अमीहि त्वाम् सुरसंघाः विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वाम् स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है।
उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्याः वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुदं स्त्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथाहम्। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहू, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। नभस्पृशं दीप्तं अनेकवर्णं व्याताननं दीप्त विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। दंष्ट्राकरालानि चते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन् हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। अमीचत्वाम् धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रः तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैः उत्तमाङ्गैः। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। यथा नदीनाम भगवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखाः द्रवन्ते तथा तवामि नरलोके
जिस प्रकार नदियों के अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वत्राणि समृद्ध वेगाः। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। ले लिख्य से ग्रसमानः समुद्रात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपने विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्यायिमेको भवान् उग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् हे देवेश, कृपा करके मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और है सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मयाहतान् त्वं जहिमा व्यतिष्ठाः युध्यस्व चेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो
और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। संजय उवाच ये तश्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलिः वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूययेवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख में इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा, अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशोत्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। कस्माच्यते ननमेरल महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से बढ़कर आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको नमस्कार क्यों न करें? हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततम् आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। वायुर्यमोग्निः वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं, नियंता हैं, अग्नि हैं, जल हैं, चंद्रमा हैं, आप ब्रह्मा हैं और प्रपितामह हैं, अतः आपको हजार बार नमस्कार तथा पुनः पुनः नमस्कार है। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतयेव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं ततोसि सर्वः। आपको चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत
पराक्रमी, सर्वव्यापी, अतः सब कुछ है। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्णा हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थम् असत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वाम् अहमप्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हट पूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्ति अभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपि अप्रतिमप्रभावा। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशं ईड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूं और आपकी कृपा की याचना करता हूं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। अदृष्ट पूर्वम कृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश हे जगन्निवास अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुम अहम् तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्रभुज, मैं आपके चतुर्भुज रूप को देखना चाहता हूं, जिसमें चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो।
श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितं आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वं अनंतं आद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। न वेद यज्ञाध्ययनैः न दानैः न च क्रियाभिः न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूं। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरं ईदृङ्ममेदं व्यपेत भीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपं इदं प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। संजय उवाच इत्यर्जुनम् वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुः महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीं अस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवी रूप को देखकर मैं अब स्थिरचित हूं और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवानुवाच सुदुदर्शम इदं रूपं दृष्टवानसि यन्ममा देवा अभ्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं।
नाहं वेदैः न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तपा। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम् योगशास्त्री श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः।